हरे कृष्णा, वेलकम टू माय चैनल निशा की रसोई। आज की मेरी रेसिपी है स्टफ्ड गोभी पराठा, जिसमें हमने ना प्याज यूज़ किया है ना गार्लिक यूज़ किया है। तो आइए मैं बताती हूँ आपको हमें इसके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इसे बनाने के लिए मैंने ये 2 कप आटा लिया है, गेहूँ का आटा है, नमक, मिर्ची और रोस्टेड जीरा। ये मैंने कैबेज लिया है ग्रेट किया हुआ। इसको ना आप जब ग्रेट करोगे तो इसको अच्छे से निचोड़ लीजिए, इसमें जो पानी होता है ना वो पूरा निकाल देना है। और ये मैंने थोड़ी सी ग्रीन चिली ली है, कोरिएंडर लीव्स लिया है और मैंने ये ऑयल लिया है जो कि हम पराठे को शैलो फ्राई करेंगे यूज़ होगा। तो आइए मैं आपको बताती हूँ, अभी हम आटा लगा लेते हैं। इसमें हम थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे और आटे को गूंद लेते हैं। आटा देखिए लग गया अब हमारा। इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको और थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे। आटा बहुत हार्ड भी नहीं होना चाहिए और बहुत नरम नहीं। हार्ड लगाओगे तो आपको प्रेशर ज़्यादा लगेगा उस पर, इसलिए थोड़ा सा सॉफ्ट सा आटा गूंदिए। ये देखिए ऐसे। अब हम इसे 2 मिनट के लिए रखते हैं, तब तक हमारी जो स्टफिंग है हम वो तैयार कर लेते हैं। ये मैंने हरी मिर्ची ली थी, ये कोरिएंडर लीव्स, ये जो कैबेज है ना इसको थोड़ा सा अच्छे से आपको पानी निकालना ज़रूरी है। ताकि ना वो क्या होगा, अगर हमने पानी रखा तो हमारे स्टफिंग में प्रॉब्लम आएगी। अब इसमें मैं डालूंगी जीरा पाउडर। थोड़ा सा हम सॉल्ट डालेंगे इसमें। रेड चिल्ली पाउडर। बहुत टेस्टी लगता है ये पराठा। मैंने आपको एक मेरी रेसिपी बताई थी जो कि करेले की है, भरवा करेला। अगर आप वो भरवा करेला और उसके साथ ये पराठे खाओगे तो डबल टेस्ट हो जाएगा आपका। वरना आप इसको दही के साथ भी खा सकते हो, कोई अचार के साथ भी खा सकते हो, या अमूल बटर के साथ खा सकते हो, कोई भी चीज़ के साथ अच्छा लगता है। करेले का अगर आप कॉम्बिनेशन दोगे तो उसके साथ में बहुत मज़ा आएगा। अच्छा चलिए, अब हम पराठा बनाने की तैयारी करते हैं। ऐसे एक पेड़ा ले लेना, इसको आपको ना ऐसे हाथ से प्रेस करना। इससे क्या होगा, जो सेंटर पार्ट है ना वो थोड़ा सा मोटा रहेगा और ये जो साइड्स है ना ये थोड़ी सी पतली हो जाएगी, तो हमारा जो स्टफिंग है वो भी बाहर नहीं निकलेगा और अच्छे से पराठा बेल जाएगा। अब हम इसमें सेंटर में भरते हैं गोभी। इसको सब तरफ से ऐसे फोल्ड कर लीजिए। पराठा भी हमारा बिल गया है और जब तक हमारा पराठा बिल रहा था तब तक मैंने तवा भी गरम कर लिया। चलो अब हम इसको फ्राई करते हैं। देखिए अब तवा गरम हो गया था, मैंने इस पर तवे पे डाल दिया। इसको अब हम थोड़ा अच्छे से सिकने देंगे। ये देखिए अभी इसको हम तेल डाल के अच्छे से बहुत टेस्टी लगता है, आप एक बार तो जरूर इसको ट्राई कीजिएगा।
अच्छा क्रंची सा सेक लेना इसको। ये देखिए इसी तरह अब हम बाकी के पराठे भी बना लेंगे और मैं इसको हमारी सर्विंग डिश में निकाल दी। ये पराठा हमारा रेडी हो गया। देखिए बहुत अच्छे से स्टफिंग हुई है और ये बहुत अच्छा लगता है। आप ज़रूर एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। हरे कृष्णा।